I think the story is the hero of the film. हमारा बस चलता तो अपनी जान दे के भी जमीन बचा लेते। अरे तुम कहे दे भैया जान, हम दे दें जान। अरे तेरे लड़के बच्चे हैं, जोरू है, तू कहे देगा जान? हम देंगे जान। कछु हो भैया, हमें देंगे जान। अरे कह दिया ना कि हम देंगे जान, बड़ा है जान देने वाला। नहीं भैया, हम ही देंगे जान। पक्का? ये कहानी मैंने करीब 3 साल पहले या शायद 4 साल पहले सुनी थी। उस वक्त जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बेहद पसंद आई। आई थिंक दैट शी इज हाईली टैलेंटेड। और एक क्या होता है, जर्नलिस्ट होने के नाते आदमी को एक्सपीरियंसेस भी बहुत सारे होते हैं। आप जगह जगह जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, तो आई थिंक इट्स अ कलेक्शन ऑफ हर एक्सपीरियंसेस एंड बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, आई थिंक शी वॉज एबल टू फॉर्म अ स्टोरी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट यू नो इंडिया इज फेसिंग। ये कहानी जो है ह्यूमरस वे में हम बता रहे हैं, लेकिन हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं इस कहानी के जरिए। तो ये बहुत अहम हिस्सा है हमारी फिल्म का, और आई थिंक अनुषा ने ये बहुत अच्छी तरीके से किया है। तुम में से एक आत्महत्या करेगा? नहीं सरकार। हाँ सरकार। भैया आत्महत्या का सरकार पैसा देती है, पैसा। एंड नॉट ओनली हैज शी रिटन अ ग्रेट स्क्रिप्ट, जब मैंने फिल्म खुद पहली दफा देखी, क्योंकि मैं शूटिंग पे था नहीं, मैं उस वक्त 3 इडियट्स की शूटिंग कर रहा था जब ये फिल्म बन रही थी पीपली लाइफ। तो जब मैंने पहली दफा देखा तो मैं डरा हुआ था, यार पता नहीं लोगों ने क्या फिल्म बनाई होगी, पहली फिल्म बना रही है अनुषा। तो मैं देख के एकदम चकाचौंध हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी बनाई उसने और इतनी मुश्किल कहानी है, इतनी मुश्किल स्क्रिप्ट है, इतना लेयर्ड है उसमें, और उसको पर्दे पे लाना बहुत मुश्किल होता है। एक कमरा है, 3 लोग बात कर रहे हैं, वो आसान होता है, लेकिन ये जो केओस एंड कन्फ्यूजन और लेयर्स का जो सीन होता है, और ये काफ़ी फिल्म ऐसा है, वो पर्दे पर लाना बहुत मुश्किल होता है। और अनुषा अपनी पहली फिल्म बना रही हैं, तो आई थिंक रियली हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ really talented. I think her attempt to be honest with what she's making. I think Anusha ki sabse badi strength ye hai ki wo jo bana rahi hai uske sath wo sachai karti hai. To lihaza wo cheez achhi tarah parde pe aati hai. Desh mera rang rez hai babu. Kaat kaat ya gatta ya. Nakha ne ye kadam utha kar apni jati aur apna desh ka naam upar kiya hai. हम खड़े हैं पीपली में, पीपली माता के स्थान पर, कि यहाँ खुद माता ने संकेत दिया है कि नत्था अवश्य मरेगा, किंतु नत्था जीवित रहे। उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली फिल्म मेकिंग की, कहीं असिस्टेंट नहीं रही, वो सिर्फ जर्नलिस्ट थी, लेकिन वो उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। एंड आई थॉट दैट शी इज रियली डन अ मार्वेलस जॉब, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। आई थिंक शी विल गिव अ कॉम्प्लेक्स टू लॉट ऑफ रियली एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स। एज अ डायरेक्टर आई ऑल्सो फील कि यार कैसे शूट किया उसने, यार बहुत मुश्किल है। सो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। आई थिंक द फेथ एंड ट्रस्ट आई हैड इन हर, शी इज रियली justified that.